और मसाज सेंटर जो है यहाँ पे थामेल एरिया से ज़्यादा यहाँ पे आपको मसाज सेंटर देखने को मिलेगा। बहुत बड़े बड़े यहाँ पे मसाज सेंटर है, ठीकेगा। कहीं कहीं आपको बड़ा बड़ा बिल्डिंग देखने को मिलेगा पोखरा में, जैसे मेरे पीछे देख सकते हो काफ़ी अच्छा है। 10 बजे के बाद यहाँ पे जो भी दारू का दुकान है वो बंद हो जाना चाहिए, बट यहाँ पे दारू का दुकान खुले हुए हैं। ना मार्केट क्लोज होगा तो यहाँ पे क्लब वगैरह तो ओपन है। अब क्लब दिखेंगे कि हाँ भाई कहाँ पे कौन कौन सा क्लब है। भाई यहाँ पे शूटिंग हो रहा है, ये देखो हमें। भाई बहुत ही ज़्यादा पार्टी होती है गोवा में, बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सिर्फ आपको पार्टी लेक साइड में घूम ही रहा था। यहाँ पे पता नहीं यहाँ पे लैंड क्यों कर गया यार, यहाँ पे पूरा पोखरा में लैंड कर गया यार। पोखरा का सबसे बड़ा क्लब है, जैसे थामेल में एलओडी क्लब सबसे बड़ा है, वैसे यहाँ पे पोखरा का सबसे बड़ा क्लब है। काफ़ी है ना, यहाँ पे ऑप्शन आपको काफ़ी मिलेगा एक्टिविटीज करने के लिए नाइट में। नेपाल की कैपिटल काठमांडू से पोखरा के डिस्टेंस 201 किलोमीटर है। पोखरा एक ऐसी सिटी है जहाँ लोग मेंटल पीस के लिए जाते हैं, क्योंकि ये सिटी लेस क्राउड है और यहाँ का वातावरण और एयर क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा क्लीन है, क्योंकि यहाँ चारों तरफ ग्रीनरी और बर्फीले माउंटेन्स हैं। पोखरा को नेपाल का टूरिज्म कैपिटल बोला जाता है। और यहाँ का फेवा लेक जो नेपाल की पश्चिमी और पोखरा की दूसरी सबसे बड़ी लेक है, जो पोखरा की खूबसूरती को 4 चांद लगाता है। ये एक ऐसा लेक है जिसे मोस्ट विजिटर लेक कहा जाता है नेपाल का। इसे आप दिन में देखो या रात में, ये हर टाइम अलग ही व्यू देगा जिससे आप लाइफ टाइम भुला नहीं पाओगे। और पर्सनली ये लेक मेरा अब तक का सबसे फेवरेट लेक में से एक है। यहाँ आप 10 मिनट ऊपर जाओ तो आप नेचर के करीब जा सकते हो, और वही अगर आप 10 मिनट नीचे आओ तो आप क्लब्स के भी मज़े ले सकते हो। इतनी अमेजिंग सिटी और कहाँ देखने को मिलेगा। तो आज हम पोखरा की नाइट लाइफ देखने वाले हैं, वो भी मेरे तरीके से थोड़ा हटके। एंड आई एम डैम श्योर ऐसा आपको पोखरा की नाइट लाइफ किसी ने अभी तक नहीं दिखाया होगा। इस वीडियो को मैंने 2 नाइट्स में शूट किया है, क्योंकि अगर स्टोरीज नहीं होगा वीडियो में तो मज़ा नहीं आएगा। तो अभी मैं लेक साइड में बैठा हूँ और सोच रहा हूँ भाई यहाँ से मैं कहाँ से नाइट लाइफ स्टार्ट करूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ फेवा लेक से। अभी मैं फेवा लेक के सामने बैठा हुआ हूँ, ये देख सकते हो आप। और यार काफ़ी हैपनिंग प्लेस है यार, मुझे यहाँ पे ज़्यादा क्राउड तो नहीं है, बट अगर आप उस साइड जाओगे तो आपको वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड देखने को मिलेगा। तो आपको नाइट लाइफ दिखाते हैं यहाँ का कैसा नाइट लाइफ होता है, और काठमांडू से भी कंपेयर करेंगे कि भाई काठमांडू का ज़्यादा अच्छा नाइट लाइफ होता है या फिर यहाँ पोखरा का। ये लेक अगर आप दूर से देखोगे तो आपको गोवा का बागा बीच का जरूर याद दिलाएगा। लेक साइड आपको बहुत ही अमेजिंग कैफेज नजर आएंगे, और जहां तक ये लेक है वहां तक आपको कैफेज ही कैफेज दिखेंगे। देखो पोखरा में ये है ना कि यहाँ पे आप जो नाइट में है, नाइट में काफी ज्यादा एक्टिविटीज कर सकते हो, और ये चीज हमें थामेल में देखने को नहीं मिलता। इस लेक के साइड में आपको काफी स्ट्रीट फूड देखने को मिलेगा जो हमें थामेल में देखने को नहीं मिला था। अब यहाँ घूमते घूमते मुझे शूटिंग भी देखने को मिल जाता है। ये लोग कोई टिकटॉक स्टार्स थी जिनके एल्बम शूट हो रहे थे। अगर आप इनमें से किसी को जानते हो तो कमेंट में जरूर बता देना। अब देखो ना, आज मैं इतना लकी हूँ कि आज मुझे सेलिब्रिटी मिल गए नेपाल के। देखो हमारे चैनल में आपको कुछ यूनिक स्टोरीज ना मिले ये हो नहीं सकता। ऐसे ही कुछ स्टोरीज है ये अंकल के, जो यूके से नेपाल आए थे घूमने। पेशे से तो ये सिंगर हैं, इन्हें नेपाल कंट्री और नेपाल के लोग इतने पसंद आ गए कि इन्होंने नेपाल में ही रहने का डिसीजन लिया, और नेपाली लैंग्वेज भी सीखा, और नेपाल में ही रह के खुद के स्क्रिप्ट लिख के नेपाली सॉन्ग गाने लगे। देखते देखते ये इतने वायरल हो गए पूरे नेपाल में कि इनके सॉन्ग्स टीवी में भी आने लगे, और तो और इनको न्यूज़ चैनल वालों ने भी अपने चैनल पर कवर किया, और पूरे नेपाल के लोग इन्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार देने लगे। इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बनने के बाद भी इनमें घमंड नहीं आया, और ये लाइव परफॉर्म करते हैं सड़क पे फ्री में। सच में आज मैं काफ़ी लकी हूँ जो मुझे इनसे मिलने का मौका मिला। यार एक चीज़ यहाँ पे ना कि यहाँ पे गोवा की तरह यहाँ पे आपको सी फूड देखने को मिल जाएगा, जैसे गोवा में नाइट में देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पे जो है ना भाई यहाँ पे समुद्र वगैरह है नहीं, बट यहाँ पे सी फूड मिल रहा है। ये काफ़ी अमेजिंग लगा मुझे, यहाँ पे सी फूड मिल रहा है। इस लेक के साइड में आपको काफ़ी ज़्यादा सी फूड देखने को मिल जाएगा, जैसे हमारे इंडिया में किसी भी समुद्र के साइड में मिलता है। और ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे समुद्र नहीं है लेकिन यहाँ पे सी फूड मिल रहा है। अगर आप इस लेक के साइड में सी फूड ट्राई करोगे ना तो आपको थोड़ा बहुत समुद्र का फील तो जरूर आएगा। यहाँ आपको चिकन कबाब भी मिलेगा और पोर्क कबाब भी मिलेगा।
और यहाँ कहीं कहीं आपको बफ भी मिलेगा, तो मेक श्योर यहाँ पे आप पूछ लो कि यहाँ बफ मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि इंडियंस बफ नहीं खाते हैं। देखो पोखरा को सबसे ज़्यादा यूनिक यहाँ का डिज्नीलैंड बनाता है, इसलिए आपको पूरे नेपाल में पोखरा जैसा नाइट लाइफ तो नहीं मिलने वाला। यहाँ पे एक्टिविटीज़ करने के लिए ऑप्शन तो काफ़ी बड़ा पड़ा है, जैसे कि यहाँ पे आप स्केटिंग देख सकते हो। अब आपको स्केटिंग थोड़ा बहुत भी आता है तभी ट्राई करना, अगर नहीं आता है तो मत करना, क्योंकि ठंड में अगर आप गिरोगे तो चोट बहुत जोर से लगेगा। आप स्केटिंग आके कर सकते हो, अगर आपको आता है तो ये कर पाए भाई, नहीं तो आप कर ही नहीं पाओगे यार, गिरते रह जाओगे। ऐसा ट्राई कर सकते हो, एक वन टाइम का एक्सपीरियंस तभी अच्छा रहेगा। देखो यहाँ पे एक्टिविटीज़ करने के लिए आपको बहुत कुछ है, मैं जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पे आप शूटिंग भी कर सकते हो, इस टाइप का गेम आप खेल सकते हो यहाँ पे। तो हाँ भाई, ऑप्शन तो यहाँ पे काफ़ी है ना, यहाँ पे ऑप्शन आपको काफ़ी मिलेगा एक्टिविटीज़ करने के लिए नाइट में, जो कि थामेल में मैं ये सब चीज़ मिस कर रहा था। एक दो चीज़ नहीं है भाई, यहाँ पे बहुत कुछ है, यहाँ पे एक्टिविटीज करने की। वहाँ पे आप इस साइड आप झूला देख सकते हो, इस साइड आप एक्टिविटी कर सकते हो छोटा मोटा। यहाँ पे एक्टिविटीज़ करने के लिए बच्चे और बूढ़े सभी के लिए ऑप्शन है। हालांकि ना मैं आपको पहले भी लेक साइड दिखा चुका हूँ, इसलिए मैं बार बार दिखाना नहीं चाहता। यहाँ पे बस आपको थोड़ा बहुत दिखा दिया कि यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो। तो यहाँ से डैड लोग निकलते हैं और देखते हैं यहाँ का नाइट लाइफ में क्या क्या जुगाड़ है भाई, यहाँ पे क्या मतलब कि कितने कैफेज आपको मिलेंगे, कितने आपको क्लब्स मिलेंगे, और क्लब्स को भी कंपेयर करेंगे हम थामेल के क्लब से। तो सबसे पहला क्लब है कैटवॉक, ये पोखरा का सबसे बड़ा क्लब है। जैसे थामेल में एलओडी क्लब सबसे बड़ा है, वैसे यहाँ पे कैटवॉक है। अगर आप सीज़न में आओगे तो यहाँ पे आपको एंट्री चार्ज 2000 से लेके 3000 होता है, और उन 3000 में आप सिर्फ डांस कर सकते हो अंदर में, और अंदर आपको सोफा मिलेगा जिसे टेबल बोला जाता है। अगर आप टेबल बुक करोगे तो आपको 10000 से 15000 लग जाएंगे, जिसमें आपको खाने के लिए दिया जाएगा और वाइन भी दिया जाएगा। इस क्लब में काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ आते हैं, अगर कोई सेलिब्रिटीज़ आ गए तो बहुत कम चांस है कि आपको यहाँ पे टिकट मिलेगा, और अगर मिल भी गया तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। एक चीज़ अच्छा है, अगर आप ऑफ सीजन आते हो तो आपको यहाँ पे एंट्री फ्री मिल जाएगा, जो कि आपको एलओडी में फ्री नहीं मिलता है। तो मेरे पीछे जो आप क्लब देख रहे हो, इसका नाम है कैटवॉक, और ये भाई पोखरा का सबसे बड़ा क्लब है। जैसे थामेल में एलओडी क्लब सबसे बड़ा है, वैसे यहाँ पे पोखरा का सबसे बड़ा क्लब है ये कैटवॉक। यार अभी जो है ना, यहाँ पे मैं स्ट्रीट नंबर 17 पे हूँ, तो अभी मैं घूम ही रहा था यहाँ पे, पता नहीं यहाँ पे लैंड क्यों कट गया यार, यहाँ पे पूरा पोखरा में लैंड कट गया यार। और यहाँ पे जो भी आप लाइट देख रहे हो, ये सारे इमरजेंसी लाइट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, और अभी यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा लाइट कटा हुआ है, स्ट्रीट जो है पूरा अंधेरा में है। यहाँ देखो भाई, यहाँ पे पूरा अंधेरा है यार, अभी यहाँ पे पता नहीं लैंड क्यों कटा हुआ है। ये देखो, ये सब होटल में पूरा अंधेरा है ना। पूरा पोखरा में इलेक्ट्रिसिटी कटता है कि नहीं कटता वो तो मुझे नहीं पता, बट जिस स्ट्रीट में मैं अभी था यहाँ पे लैंड कटे हुए थे। हमने थामेल में देखा था, वहाँ पे शॉप 8 बजे ही क्लोज होना स्टार्ट हो जाते थे, बट पोखरा में ऐसा नहीं है, यहाँ पे 10 बजे के बाद शॉप क्लोज होना स्टार्ट होते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे शॉप ऐसे हैं जो कि 11 बजे के बाद क्लोज होते हैं। आज से 2 साल पहले भी मैं पोखरा आया था, बट उस टाइम जो शॉप क्लोज होते थे वो 8 बजे के बाद होते थे, लेकिन आज सब कुछ चेंज हो चुका है। काठमांडू से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कैफेज है, आपको हर गली में, हर यहाँ पे गली तो यहाँ पे नहीं है जैसे काठमांडू में गली होता है, गली यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको रोड मिलेगा, और हर रोड के किनारे आपको कैफेज ही कैफेज मिलेंगे। और बार यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे बार उतना नहीं है जितना यहाँ पे हम लोग को काठमांडू में देखने को मिला था, बार वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे कैफेज काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ आपको मसाज सेंटर हद से ज़्यादा नज़र आएंगे, यहाँ भी कन्याएं ही मसाज करती हैं, ये आप याद रखना। अब यहाँ पे बात करूँ ना, यहाँ पे भी मसाज सेंटर आपको काफ़ी मिल जाएगा, और मसाज सेंटर जो है यहाँ पे थामेल एरिया से ज़्यादा यहाँ पे आपको मसाज सेंटर देखने को मिलेगा, बहुत बड़े बड़े यहाँ पे मसाज सेंटर है, तो यहाँ पे आपको मसाज सेंटर तो काफ़ी मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मसाज जो करती है वो यहाँ पे कन्याएं करती है, लड़कियाँ करती है। वियतनाम के हुंचुमिन सिटी में जैसे नाइट लैब एक सेपरेट जगह होता है, उसी तरह पोखरा में भी लेक साइड आपको नाइट लैब देखने को मिलेगा। अगर आप लेक साइड को छोड़ के कहीं और घूमोगे नाइट लाइफ के लिए, तो वहाँ आपको क्लबिंग देखने को नहीं मिलेगा, जो भी क्लब है बार है सब इसी एरिया में है, और इसके वजह से लेक साइड एरिया काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, यहाँ पे आपको खाना एक टाइम का बहुत ही ज़्यादा महंगा मिलेगा। देखो अगर मैं कंपेयर करूँ ना गोवा से,
तो भाई गोवा में बहुत बड़ा गोवा है ना, और गोवा में भाई बहुत ही ज़्यादा पार्टी होती है गोवा में। बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सिर्फ आपको पार्टी लेक साइड होगा, और लेक साइड कितना बड़ा है वो आप गूगल मैप खोल के देख सकते हो। अब यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे कैफेज है जिसे देख के आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि ये बार है या फिर क्लब है, क्योंकि इन कैफेज में लाइव डांसिंग एंड सिंगिंग होता है। यहाँ के नाइट इतने रंगीन होते हैं कि यहाँ पे आपको क्लब और बार जल्दी मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्लब और बार अलग अलग गलियों में लोकेटेड है। देखो मार्केट जो है ना अब यहाँ पे धीरे धीरे क्लोज होना स्टार्ट हो गया है, 10 बज गए और 10 बजते बजते यहाँ पे देखो मार्केट थोड़ा थोड़ा क्लोज होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ से देखो स्टार्ट हो गया ना, तो अब यहाँ पे क्या है ना मार्केट क्लोज होगा तो यहाँ पे क्लब वगैरह तो ओपन है। अब क्लब दिखेंगे कि हाँ भाई कहाँ पे कौन कौन सा क्लब है, जब मार्केट ओपन रहता है तो यहाँ पे पता ही नहीं चलता भाई कौन सा क्लब वहाँ पे है। इस तरीके के ओपन बार आपको यहाँ बहुत मिल जाएंगे जो कि बहुत ही हैपनिंग होता है, जहाँ नेपाल के लोग अपने गाने से आपको एंटरटेन करेंगे, और ये देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ क्लब और बार में आपको हर जगह हुक्का मिल जाएगा जो कि यहाँ पे बैन नहीं है, जैसे हमारे इंडिया में काफ़ी जगह बैन हो चुका है। देखो पोखरा में क्या ना कि आपको बड़ा बड़ा बिल्डिंग देखने को मिलेगा, कहीं कहीं आपको बड़ा बड़ा बिल्डिंग देखने को मिलेगा पोखरा में, जैसे मेरे पीछे देख सकते हो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे जो भी बिल्डिंग है ना यहाँ पे काफ़ी साफ़ सुथरा रहता है, जैसे कि काठमांडू में काफ़ी अलग तरीके का बिल्डिंग थोड़ा सा गंदा उंदा रहता था, बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे काफ़ी साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन किया हुआ है, ये देखो है ना। यार यहाँ पे ना 10 बजे के बाद में यहाँ पे ना दारू का दुकान खुले हुए हैं, क्योंकि 10 बजे के बाद यहाँ पे जो भी दारू का दुकान है वो बंद हो जाना चाहिए, बट यहाँ पे दारू का दुकान खुले हुए हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ भाई मतलब यहाँ पे ऐसा रूल क्यों है। अगर आप पोखरा में होटल की जगह हॉस्टल में रहोगे ना तो आपको हॉस्टल से बाहर जाने का मन ही नहीं करेगा, यहाँ इतने कंट्रीज के लोग आते हैं उनके साथ अगर आप बैठोगे तो कब टाइम पास हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो पोखरा का कोई भी हॉस्टल एक बार जरूर ट्राई करना। मैं अपने हॉस्टल में हूँ और यहाँ पे भाई का बर्थडे है, एक भाई जर्मनी से भाई है, उनका 24 ईयर ओल्ड है वो, इनका बर्थडे है। हेलो हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, माउंट एवरेस्ट बेस्ट इन नेपाल, बेस्ट ऑफ नेपाल। यार हमारे यहाँ वोडका आता है ना, और यहाँ का जो वोडका ना काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा हार्ड लग रहा है, बहुत हार्ड है। अभी यहाँ पे मैं ना अपने पुराने फ्रेंड से मिलने आया हूँ जिनका नाम प्रेम भाई है, उनका चलो रिएक्शन देखते मेरे को देख के कैसा रिएक्शन होता है, क्योंकि उनको मैं बताया नहीं हूँ कि भाई आप बोखरा आया हुआ, चलो उनका रिएक्शन देखते हैं। ओहो कैसे आ गए तुम फिर वापस, स्वागत है, वेलकम है। आपका याद हमको यहाँ पे वापस ले आया, फिर से स्वागत करते हैं पोखरा में। थैंक यू धन्यवाद। खा के सिर्फ ये थाल बाकी है। अब यहाँ तक वीडियो देख लियो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा हिला देना, ताकि हम ऐसे ही हमेशा कनेक्टेड रहें।